2% एक सीख टिक्का बोटी की है सर, 2 पीसेस कलमी टिक्का है, 2 पीसेस मलाई बोटी है, 2 पीस रेशमी कबाब है, 3 अदद बटेर है। देखना यार इसमें से बटेरा उड़ ना जाए। ये जी इनका बटेरा है, ये देख। पिज्जा भी तैयार किया जा रहा है साहब। खैरपुरी की मशहूर दाल है, चिकन हांडी है, चारी हांडी। ये सूप तैयार हो रहा है जी, खैरपुरी स्पेशल सूप। ये जी कराची मोड़ है सामने, इस टाइम मैं कराची मोड़ से थोड़ा सा आगे खड़ा हूँ खैरपुरी होटल पे, और ये खैरपुरी होटल का बाहर का व्यू है, आप देख सकते हैं न्यू ब्रांच ओपन हुई है ये। और अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इनके अंदर का व्यू। ये जी इनकी मेन एंट्रेंस है, ये इनका मेन हॉल है, काफी सिटिंग एरिया है यहाँ। अगर सिटिंग की बात करें तो काफी नीट एंड क्लीन और कंफर्टेबल है, ये देखें। डेकोरेशन की बात करें तो ये देखें, बहुत जबरदस्त और अट्रैक्टिव है, बहुत कमाल की है। ये जी इन्होंने फैमिली के लिए अलग से सेटअप बनाया हुआ है, ये देखें सोफे वगैरह लगे हुए हैं, बहुत जबरदस्त जो है ना वो माहौल है, क्या बात है। ये जी रास्ता इनका बेसमेंट में जा रहा है, हम आपको इनकी बेसमेंट भी दिखा देते हैं, वहाँ पे भी सिटिंग का काफ़ी अच्छा खासा इंतजाम है। ये देखें जी बेसमेंट में फैमिली सेक्शन है, ये ज़बरदस्त है। दूसरी साइड पे फैमिली बैठी हुई है, वो दिखा नहीं सकते आप, यही देख लें। हाँ जी ये फैमिली सेक्शन है, ये जी इनका ओपन सिटिंग एरिया है, अगर आप यहाँ बैठना चाहते हैं तो। ये देखें जी इनकी सिटिंग, ये ऊपर है टॉप फ्लोर पे, ये भी ओपन है, अगर आप कनोपी में बैठना चाहते हैं तो भी आप बैठ सकते हैं। वो देखें वो सामने बनी हुई है, ये भी आपको दिखा देते हैं। सिटिंग एरिया तो इनका सारा जो है ना वो काफ़ी कम्फर्टेबल और नीट एंड क्लीन। ये जी अलग सेटअप है जी फैमिली के लिए, अगर आप 10 से 12 लोग हों तो आप यहाँ बैठ सकते हैं जी। आई लव खैरपुरी फूड, क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है। ये जी हमारा भाई ऑर्डर तैयार कर रहे हैं 2% का, इसमें क्या क्या आता है भाई? सर इसमें 2% में एक सीख टिक्का बोटी की है सर, 2 पीसेस कलमी टिक्का है, 2 पीसेस मलाई बोटी है, 2 पीस रेशमी कबाब है, 3 अदद बटेर है। 3 अदद, ये आपका क्या है? स्पेशल कलमी टिक्का है सर, ये हमारा। ये भी इसके अंदर है? नहीं सर ये अलहदा से है हमारा, ये 2% की सर्विंग है हमारी बहुत। ठीक है, ये हमारी 2% की सर्विंग है, और ये इनका स्पेशल कलमी टिक्का है ये वाला। आपका वैसे सबसे ज्यादा यहाँ सेल कौन सा हो रहा है? सर ये हमारे प्लेटर ज्यादा सेल होते हैं सर, 4-6%। मैंने भी मोस्टली जिसे देखा है ना वो यही लेके खा रहे हैं प्लेटर, 2% और 4% और 6% हमारा कम रेट में सर। अच्छा क्वांटिटी भी अच्छी है हमारी सर, ग्रामेज भी बहुत अच्छी है, तो ये खाएंगे तो पता लगेगा यहाँ का टेस्ट कैसा है, वहाँ का तो हमने पता नहीं 1000 दफा खाया है। इंशाल्लाह आप आए ट्राई करें और आप अपनी राय कमेंट्स में दें। और इसमें और क्या है इसके साथ? इसके साथ साथ 2 एग मिलेंगे और हाफ राइस मिलेंगे सर, इसके अंदर हाफ बिरयानी मिलेगी, बिरयानी भी होती है, अफगानी पुलाव भी होता है सर इसमें हाफ, वो आप चॉइस पे जिस मर्जी ले। जी जी जी। और परली साइड पे कौन कौन सर? ये हमारे पास मिक्स टका टक है, इसमें ब्रेन मसाला है सर, तवा पीस है, इसमें गुर्दे का पूरे हैं सर, मटन चाप है सर उसके अंदर ना, तवा चाप है सर। इधर आ जाए तो सर ये हमारा कोला कढ़ाई है, इसमें मटन कोला कढ़ाई भी है, चिकन कोला कढ़ाई भी है, व्हाइट कोला कढ़ाई भी है, रेड में भी है। ये कितनी देर में ऑर्डर तैयार हो जाता है हमारा? सर ये हमारा 25 मिनट टाइम है हमारा ऑलरेडी ना, ये क्राउड ज्यादा हो तो फिर 31 मिनट लग जाए, 35-30 मिनट। ये देखें जी धड़ाधड़ प्लेटर के ऑर्डर आ रहे हैं और प्लेटर तैयार करी जा रहे हैं। ये देखें किचन है, किचन की सफाई देखें क्या लगा रहे हैं। जी जी ये 2% पे है प्लेटर है, तुर्की स्टाइल में। तुर्की स्टाइल में? जी जी। 2% के लिए बहुत है ये? जी जी बहुत है, बल्कि ज्यादा है, ज्यादा हो जाएगा। ये राइस आ गया, ये बहुत फेमस हो गया हमारा ना माशाल्लाह। हम भी स्पेशल जो है ना वो यही खाने आए हैं। ये देखो जो हमारी जो पहली ब्रांच है वहाँ की दाल मशहूर है और यहाँ का प्लेटर मशहूर है। जी बिल्कुल 2%। और ये साथ में रोटी बनाई जा रही है जो इसके ऊपर लगाएंगे, ये जी रोटी लगाई जा रही है ऊपर। ये जो नान का जो खमीर है ना वो है, ये आम नहीं है, ये इसको आप खा भी सकते हैं। खा भी सकते हैं? जी खा भी सकते हैं, ये नान का है, ये आम मैदा नहीं है, ये ओवन में जा रहा है जी। ये कितना टाइम लगेगा इसे? मैक्सिमम 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट लगेगा। ये देखें जी पिज्जा भी तैयार किया जा रहा है साथ, खैरपुरी की मशहूर दाल है ये जी, खैरपुरी की जो दाल मशहूर है वो ये है। और ये साथ दूसरा क्या तैयार हो रहा है? ये चिकन हांडी है, चारी हांडी। ये सूप तैयार हो रहा है जी, खैरपुरी स्पेशल सूप। ये जी सैलड बाहर है, सैलड तैयार कर रहे हैं भाई। बेटा सलाद बाहर निकालो, लेके आओ। ये भाई का कहना है कि ये हम आपको देख के नहीं कर रहे, ये देखें हमारा ऐसे आ रहा है पड़ा हुआ है, ये देखें फ्रीजर में इन्होंने ऑलरेडी काट के रखा हुआ है, ये देखें बहुत अच्छा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। आप किचन की सफाई जो है वो भी जो है ना जबरदस्त है, मुझे पसंद आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके यहाँ खैरपुरी की सबसे ज्यादा सेल होने वाली चीज कौन सी है? वहाँ पे तो सबसे ज्यादा जो है वो दाल पसंद की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह दाल यहाँ भी चल रही है सर। ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ प्लेटर चल रहे हैं आपके ज्यादा। प्लेटर बहुत ज्यादा चल रहे हैं,
और अभी तो हमें ओपनिंग की है, मेरे ख्याल में कोई 15-20 दिन हुए हैं, तो कस्टमर की जो चीज भी कस्टमर खा रहा है इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि वो मेयार के साथ। मैंने किचन का भी आपका फुल विजिट किया है, सफाई के लिहाज से भी बेहतरीन है सर, और सीटिंग भी आपकी, डेकोरेशन भी कमाल का बनाया आपने सर, अल्हम्दुलिल्लाह। डेकोरेशन तो एक दफा हो गई ना थी जो होनी थी, अब चल रहे मेयार, तो आप देख लें कि मैं खुद किचन में खड़ा हूँ, सुबह से लेके शाम तक किचन ही में तकरीबन होता हूँ मैं, तो इस वजह से कहीं मेयार में और क्वालिटी में कहीं फर्क ना आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैं देख रहा हूँ आपके सामने जो है ना वो ये लगा रहे हैं, ये देखें प्लेटर, अब हम टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बिल्कुल चेक करें जी, आपका जो दिल कर रहा है वो चेक करके देखें, अगर उसमें कोई कमी हमारे एंड से है तो हमें बताएं लाजमी, ताकि हम उसको ठीक कर सकें। ये ऐसे कोई कहता नहीं है, इन्होंने कह दिया, इनका बड़ा फन है कि अगर आपको किसी चीज में लग रहा है आप जो दिल करे चीज चेक कर लो, तो अगर आपको इसमें लग रहा है कि इसमें ये बेहतर होना चाहिए तो नेक्स्ट दफा हम वो बेहतर कर लेंगे, वो ये नहीं कहते बेहतर है या नहीं कुछ, देखिए मेरी बात सुने कि हर बंदे का एक अपना टेस्ट है। जी बिल्कुल, मेरा एक अपना टेस्ट है, आप अपने अपने टेस्ट से बात करेंगे, तो अगर आप हमें कुछ बताएंगे कि ये चीज आपकी अच्छी है, इस पे कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो हमारे लिए वो बेहतरीन होगी। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ चीज इम्प्रूव होनी चाहिए तो आप बता दें कि ये इस चीज की जरूरत है। सर वो आप हमें काइंडली, मैं तो हर कस्टमर से जो मेरे ताल्लुक वाले आ रहे हैं और जिनको मैं देख रहा हूँ वो क्या खा रहे हैं, वो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे पूछ रहा हूँ, माहौल एनवायरनमेंट जो बनानी थी वो तो हमने बना के एक दफा दे दी। अब हर दफा एनवायरनमेंट देख के तो कोई नहीं आना, मैंने अगर फूड अच्छा देंगे, मेयार अच्छा देंगे तो कस्टमर जो है ना वापसी कस्टमर रिपीट होगा हमारा, और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो कस्टमर आ रहा है वो रिपीट हो हमारे पास। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा जो भी नाज़रीन जो सामिन मुझे सुन रहे हैं, तो अगर किसी चीज में हमारी कोई कंप्लेन है ना जी, तो काइंडली वो हमें थोड़ा गाइड करके जाया करें, ताकि नेक्स्ट अगर आप आए तो कंप्लेन ना हो। बहुत अच्छा मैसेज है लोगों के लिए, हमने अपने नाम को जो है ना और अपने मेयार को कभी कभी भी किसी चीज पे जो है ना हम कंप्रोमाइज नहीं, बिल्कुल कोशिश यही होती है कि इस चीज में हम कहीं कमी कोताही तो उसको जल्द से जल्द पूरा करें। कहते हैं बकरे आ गए, हम देखते हैं आके। आ जाए जी, बकरे आ चुके हैं इनके, वो भी देखते हैं जी। मैंने एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, जिसमें कहा था कि खैरपुरी की जो न्यू ब्रांच की चाय है ना, वो चाय किसी काम की नहीं है। ये भाई चाय बना रहे हैं, ये देखें जी चाय का कलर। जी सर बताएं आपकी चाय कैसी है। सर चाय दूध पत्ती बना रहे हैं, वाइटर चाय इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूध खालिश, खुला दूध खालिश दूध इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर पानी के। हाँ रश में कभी कभार ऐसा होता है कि वेटर जल्दी कर लेते हैं जी, जल्दी करें, वो कस्टमर जल्दी कर रहे हैं। नहीं आप तो यानी कि सर पे खड़े होके बना रहे हैं। सर मैं 15 मिनट से ये खड़ा हूँ, कल एक कंप्लेन आई है मुझे, एक भाई ने खाना खाया यहाँ से, खाने की तारीफ कर गए और कह रहे थे कि चाय अच्छी नहीं है, चाय में 2 दाने पत्ती के डाले और चाय बना के दे दिए। तो मैं इस भाई से ना, ये मेरे मुलाजिम है पुराने हैं, तो इनको मैं 15 मिनट से यही समझा रहा हूँ, जो चाय बनाए ना उसको बिल्कुल पका के दें, जल्दी ना करें जी। बिल्कुल कस्टमर को जितनी वेटर जल्दी करते हैं उनको कहे जब तक चाय मुकम्मल नहीं तैयार होगी मैं आपको चाय डाल के नहीं दूंगा, और पिछले 15-20 मिनट से मैं इसके सर के ऊपर खड़ा हूँ। बेशक जितना मर्जी रश हो, आपने अपने मियार को जो है ना देख के फिर सर्व करना है। किसी चीज में कोई मसला आ रहा है ना, तो वो मैनेजर्स हैं, फ्लोर मैनेजर्स हैं, तमाम मैनेजमेंट यहाँ खड़ी होती है, तो आप उसको चेंज करा लिया करें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके टेस्ट के मुताबिक नहीं है तो आप उसको चेंज करा लिया करें, जैसे आपको जाएगी वैसे मिल जाएगी जी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे एंड से इस तरह का कोई इशूज आए कि यार हमने कंप्लेन की है कि चीज हमें नहीं मिली और ये चेंज भी करके नहीं दे रहे, तो फिर आप रिव्यूज डाला करें जो नेगेटिव रिव्यूज हैं, अदरवाइज सर हम तो हर लिहाज से तैयार करें कि आपकी खिदमत करें और अपने नाम को बरकरार रखें जी। बिल्कुल बिल्कुल, बकरे भी आ गए हैं, बकरे देखते हैं आपके। ये जी बकरा आ गया, ये सामने जिबा होगा यहाँ पे, ये देखें, और ये सामने ही बनेगा, ये देखें। ये जी प्लेटर आ चुका है हमारा 2 पर्सन का, देखना यार इसमें से बटेरा उड़ ना जाए, जूम करके दिखावा के चेक करें जी। एक किस्म का नान ही है ये, आप जाया नहीं कर सकते, इसे भी खा सकते हैं आप, इसे आप खमीरी रोटी भी कह सकते हैं, ये देखें। और अब इनका प्लेटर ट्राई करते हैं और टेस्ट देखते हैं इनका कैसा है। खैरपुरी वाली फर्स्ट ब्रांच में जो है वो दाल मशहूर है, और यहाँ पे जो है वो इनका प्लेटर मशहूर है। ये 2 पर्सन के लिए भी है, 4 के लिए भी है, और 6 के लिए भी है। जबरदस्त टेस्ट है इसका जी, कमाल का टेस्ट है। अब जो है वो एक बाइट बनाते हैं राइस के साथ। माशाल्लाह कमाल का टेस्ट है, और इसमें आपके पास ऑप्शन है
एक है अफगानी राइस और दूसरा है बिरयानी। आपको जो दिल करे आप वो इसमें शामिल करवा सकते हो। हमने करवाया अफगानी राइस, ये जी इनकी मलाई बोटी है, जूसी टेंडर और बिल्कुल गला हुआ। ये जी इनका बटेरा है, ये देखें, क्या कमाल का टेस्ट है। आप जिसको देखेंगे उसने यही ऑर्डर किया हुआ है और इनका सबसे ज्यादा ये चल रहा है। आप अगर यहाँ आते हैं तो आप भी आके इनका ये वाला प्लेटर ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं मुझे कि इनका प्लेटर ये वाला आपको कैसा लगा। और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको 1500 प्लस टैक्स में मिलेगा।